शिव पुराण की यह उपाय बदल देंगे आपकी जिंदगी। नंबर एक, शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर प्रतिदिन चावल का एक आखा दाना चढ़ाने से धन दाने की प्राप्ति होती है। नंबर दो, शिव पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है तो उसे हर रोज भगवान शिव को गाय के घी से अभिषेक करना चाहिए। नंबर तीन, हर रोज़ शिवलिंग पर काला तेल चढ़ाने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है और साथ ही सभी पापों का नाश हो जाता है। नंबर चार, प्रतिदिन जल के पात्र में जौ मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और साथ ही पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर पाँच, अगर किसी व्यक्ति को टीबी रोग हो गया हो तो उसे हर रोज़ शिवलिंग के ऊपर शहद चढ़ाना चाहिए। नंबर छः, प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए, इससे जीवन में चल रही सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। नंबर सात, प्रतिदिन रात को 11 से 12 के बीच में शिव मंदिर में दीपक जलाने से धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर आठ, शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर नौ, शिवलिंग के ऊपर आँख के फूल चढ़ाने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर दस, शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर मूंग अर्पित करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर ग्यारह, शिवलिंग के ऊपर दूध में शक्कर मिलाकर अर्पित करने से बच्चा पढ़ाई में होशियार बनता है और उसका दिमाग तेज़ होता है। नंबर 12, शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने से संपूर्ण सुख आनंद और धन संपदा की प्राप्ति होती है। नंबर 13, शिव पुराण के अनुसार सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए शिवलिंग के ऊपर धतूरे के फूल अर्पित करें। नंबर 14, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से शादी में आ रही सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं और शादी जल्दी हो जाती है। नंबर 15, सावन में प्रतिदिन 21 बेलपत्र के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनचाही मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नंबर 16, समीप पेड़ के पत्तों को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से और भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नंबर 17, शिव पुराण के अनुसार गेहूं से बनाए गए पकवान से भगवान शिव की पूजा करने से संतान सुख का प्राप्त होता है। नंबर 18, अगर आप भी वाहन का सुख पाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चमेली का फूल अर्पित करें। नंबर 19, शिव पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से 5 सोमवार तक पशुपतिनाथ का व्रत कर लेता है उसके सभी प्रकार की मनचाही मनोकामना पूरी हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।